तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसलिंग इन द एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे WWE सुपरस्टार जिनकी एक गलती के कारण WWE ने कंपनी से फायर कर दिया। तो कौन ही सुपरस्टार है, तो ये जाने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नंबर वन पर आते हैं पॉल लंदन। तो आपको वो सेगमेंट तो याद ही होगा जब विंस मैकमैन अरीना के बाहर जा रहे होते हैं और उनके दोनों तरफ WWE सुपरस्टार खड़े होते हैं। उनमें से एक सुपरस्टार पॉल लंदन भी थे, जहाँ पर वो मुस्कुरा रहे थे, जिसे बाद में विंस मैकमैन ने देखा और जिसको देख कर विंस मैकमैन को काफ़ी गुस्सा आया और बाद में उनको कंपनी से निकाल भी दिया। और नंबर टू पर आते हैं रेवन को WWE से इसलिए निकाला गया क्योंकि रेवन और शेन मैकमैन काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन विंस मैकमैन को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। वो उनका मानना था कि रेवन ने सिर्फ शेन मैकमैन से इसलिए दोस्ती की है क्योंकि वो WWE में काफ़ी बड़े सुपरस्टार बन सके, इसी कारण से विंस मैकमैन ने उनको WWE से निकाल दिया। नंबर थ्री पर आता है डैनियल ब्रायन। तो डैनियल ब्रायन अभी के समय में काफ़ी सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, लेकिन उनका पहला रन काफ़ी ख़राब था। जब वो साल 2010 में नेक्सस के टीम में हुआ करते थे, तब वो ब्रायन और बाकी मेंबर्स को एरिना में रिंग अनाउंसर जस्टिन रॉबर्ट्स तथा बाकी सुपरस्टार्स को भी अटैक करना था। अटैक करते हुए डैनियल ब्रायन ने जस्टिन के टाई से उनका गला ही दबा दिया था, जिसके कारण WWE ने उनको फायर कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो WWE में वापस से आ गए। तो दोस्तों, आपको वीडियो पर कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।